बेस्ट ए सी इन इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हर सेगमेंट का हर प्राइस पॉइंट का हर टेनेज कैपेसिटी वाला बेस्ट ए सी इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज रिव्यूड इन दिस दिसक नहीं पड़ता आपको एक टन डेढ़ टन दो टन किसी भी कैपेसिटी वाला ए सी चाहिए फीचर्स वाइज वारंटी वाइज आफ्टर सेल सपोर्ट वाइज सभी मेजर एंड माइनर पॉइंट को कवर करते हुए बेस्ट ए सीज के ऑप्शन कवर करें मैंने इन टोटल मैं आपको पांच बेस्ट एयर कंडीशनर्स बताने वाला हूँ जो की आपको इंडिया में ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में मोस्ट वैल्यू ऑफर करते हैं बट दोस्तों ए सीज की लिस्ट इवन शुरू करने से पहले एयर कंडीशनर्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ एंड पॉइंइस आपको खास ध्यान रखना है फर्क नहीं पड़ता आप ए सी ऑफलाइन लो या ऑनलाइन इन पॉइंट का आपको जरूर ध्यान रखना है बिफोर परचेजिंग एसी सबसे पहले आपको आपकी रूम साइज के हिसाब से एसी सेलेक्ट करना है अगर आपका रूम हंड्रेड से वन ट्वेंटी स्क्वायर फीट के बीच का है वन टन के आसके लिए इनफ है अगर रूम वन ट्वेंटी से वन एटी स्क्वायर फीट के बीच का है वन पॉइंट फाइव टन का ए सी आपको चाहिए एंड अगर आपका रूम या मेन हॉल टू हंड्रेड स्क्ट से भी ज्यादा है दे टू टन प्लस एयर कंडीशनर्स आपको लेने दोस्तों एसी की कपासिटी के साथ साथ एनर्जी रेटिंग भी आपको देखनी है आप एसी छह महीने यूज करो आठ महीने यूज करो इससे फर्क नहीं पड़ता बनती कोशिश आप फोर या फाइव स्टार वाली एसी लो बाकी डिपेंड्स ऑन बजट एनर्जी रेटिंग के साथ साथ आपको ए की आई एस रेटिंग यानी इंडियन सीजन एनर्जी एफिशियंसी रेटिंग भी चेक करनी है इन दोनों रेटिंग की मदद ऐसी आप आपके ए की एनर्जी कंजप्शन का सही आइडिया लगा पाओगे दोस्तों आप एसी का जो भी बजट लेके चल रहे हो उसमें आपको दो ऐसी पांच हजार ऐड जरूर करना है बिकॉज ए कोई सा भी लो आप स्टेबिलाईजर आपको चाहिए ही चाहिए स्टेबिलाईजर बिजली वगैरह नहीं बचाता बट बिजली की फ्लक्चुएशन से जो एसी को नुकसान होता है वो नुकसान स्टेबिलाईजर नहीं होने देता स्टेबिलाईजर के बाद स्टेबल वोल्टेज आपके एसी को मिलती है इवेंटेबाइजर से बिजली की फ्लक्चुएशन के बाद भी एसी बहुत कम हम होता है इन सभी चीजों के साथ एयर कंडीशनर्स की वारंटी इज थिंग आजकल हम सभी लोग इन्वर्टर स्प्लिट एसी प्रिफर करते हैं एंड इन्वर्टर एसी का कम्प्रेसर जल्दी से खराब नहीं होता खराब होती है पीसीबी यूनिट मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो की आपको आपके इन्वर्टर ए की पीसीबी आरोप एक साल की वारंटी या वारंटी नहीं देते ऐसे एयर कंडीशनर आपको अवॉइड करने हैं आपकी एयर कंडीशनर में कम ऐसी कम एक साल की वारंटी होनी चाहिए मेन एनिट पर कम से कम तीन साल की वारंटी पीसीबी आरोप होनी चाहिए एंड दस साल की वारंटी कम्प्रेसर आरोप आपको मिलनी चाहिए

इस एसी पर क्लेम करती है यार्वेंटी ट्वेंटी फोर 2024 एसी सो ये स्टैंडर्ड रेटिंग्स काफी लंबी चलेगी इट्स अ इन रिंबी चलेगीबल एयर कंडीशनर टू यानी आप इस वन टेन के एसी को बिना पांच डिफरेंट कैपेसिटीज पर चला सकते हो रिजल्टिंग एनर्जी सेविंग्स और ज्यादा होती है बाकी इतना हंड्रेड से बचाने के लिए कोटिंग भी आपको मिल जाती है बाकी डीओ मेडि एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट जैसे सभी बेसिक फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं एक साल की वारंटी आपको मिलती है मेन एसी पर दस साल की वारंटी है ऑन कंप्रेसर मोटर एंड पांच साल की वारंटी

Is split AC and yes, बचाएगा ये। इस वन पॉइंट फाइव टन इस एसी को ऑपरेट कर सकते हो यार LG ने इस एसी में एंटी वायरस so, uh, फिल्टर प्रोटेक्शन बट कितने बाकी फाइव स्टार्स के आपको एनर्जी रेटिंग टू की आई एस आर रेटिंग

यार देखो पेनासोनिक के हर सेगमेंट की ए ना कूलिंग तो आपको बढ़िया ऑफर करते ही है एनर्जी एफिशियंट भी काफी होते हैं बट आपको एडिशनली एक तो एयर प्यिफिकेशन बेटर मिलती है एंड सबसे बढ़िया बात है दीज आर रियली स्मार्ट एसीज अपने फोन से एलेक्सा के थ्रू आप किसी भी स्मार्ट डिवाइस से इन ए को किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हो एंड सच बता रहा हूँ इट्स आ रियली हैंडी थिंग पेनासोनिक का ये टू टन एसी आपका टू थर्टी टू फिफ्टी स्क्वायर फीट के रूम तक के लिए बिल्कुल इनफ है इट्स अवन इन वन कन्वर्टेल एसी बट आप मैनअली कोई कन्वर्टेबल मोड सेट नहीं कर सकते इट्स अ स्मार्ट ए अकॉर्डिंग टू सराउंड ऑटोमेटिकली मोड से सेट कर लेता है फिल्ट्रेट है इस में। तक की को ये एसी में यानी इवन जीरो प्योरिफाई करके पहुंचाएगा एंड यार इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ एयर काफी हद हाँ तक एक एयर प्य को ये एसी रिप्लेस करने की क्षमता रखता है देखो कॉपर मिलता आपको। है स्मार्ट एसी सी थ्रू पैरासोनिक ऐप आप ये एसी काफी हद हाँ तक कस्टमाइज ऑपरेट कर सकते हो फॉर हैंड्स फ्री ऑपरेशन एलेक्स गूगल असिस्टेंट से भी ये एसी ऑपरेटेबल है एंड आर्ली टेम्परेचर के हिसाब से कस्टमाइजेबल हो ओवरऑल सेवरऑल इट्स अ वेरी स्मार्ट एसी एंड वारंटी भी

यू कैन इजिली चेक गीज आउट बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलूंगा आपका एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में